मनोज कॉम्पिटेटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक जो है काफी इम्पोर्टेंट है और हम आपको याद करवाएंगे ट्रिक के माध्यम से। और देखिए, ये सब टॉपिक बहुत सारे कम वीडियो मिलेंगे आपको यूट्यूब पे। तो देखिए, हम ये सब प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो हम इसको याद करवाएंगे, सभी के सभी आपको याद हो जाएगा। आप जो है लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला जो लिखा हुआ है, AK-103 राइफल खरीदने के लिए भारत जो है किसके साथ साझेदारी किया, तो रूस के साथ। उसी तरह से AK-203 राइफल खरीदने के लिए किसके साथ जो है समझौता किया, तो ये होगा क्या, तो भारत जो है रूस के साथ समझौता किया। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे याद रखिएगा, मेन चीज जो है याद रखना है। अब देखिए, ये इसमें 103 है, इसमें 203 है, यानी ये दोनों सेम है और ये जो है आपका अलग है। तो जैसे देखिए, मान लिया जाए कि राइफल है ना, AK-103 राइफल है। ठीक है, तो एक के गो राइफल मिला, लिखल भी है एक के, है ना, एक के गो राइफल मिला तो वो क्या होता है, रूस जाता है। रूस जाता है तो रूस याद रखना है। तब रूस जाता है तो फिर क्या किया जाता है, किल्लू बाबू एगो आओ ले ले। जब छोटा बच्चा होता है, मान ले एक बिस्किट दिए उसको, तो वो जो है बोलता है नहीं, ये गो नहीं लेंगे, दो गो लेंगे, न तो रूस जाता है ना, तो फिर ले ले दो गो ले, है ना। तो यहाँ पे दो, इस तरह से याद रखना है, AK-103 राइफल जो है खरीदने के लिए भारत जो है किसके साथ समझौता किया, तो रूस के साथ। उसी तरह से है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत किसके साथ यानी कि समझौता किया, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। याद कैसे रखिएगा, ध्यान दीजिए, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जब पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा तो पर्यटन खूब आएंगे, है ना, खूब आएंगे। तो वही चीज है, यहाँ जो है भारत क्या कह रहा है कि देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम जो है अस्त्र ले लिए हैं, हम जो है अस्त्र ले लिए हैं, अब जो है बढ़ावा देना है तो देना है। क्या चीज को, पर्यटन को। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत क्या ले लिया, तो अस्त्र ले लिया। अस्त्र ले लिया से याद रखना है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे देखिए, भूकंप से क्षतिग्रस्त, भूकंप से क्षतिग्रस्त 117 धरोहर के पुनः निर्माण के लिए भारत जो है किसके साथ समझौता किया, तो नेपाल के लिए। जैसे मान लिया जाए कि ये धरोहर है, मान लिया जाए, कभी कभी देखते होंगे कि कोई जीव जंतु है या फिर जैसे पशु वगैरह, गाय भैंस बकरी जो भी हो पालन करते हैं लोग, कभी कभी किन्हीं के बाइक या फिर जो है गाड़ी के सामने आ जाता है और वो जो है उनका मृत्यु हो जाता है उस जीव का। तो वो जो है, जो गाड़ी वाले होते हैं वो कहते हैं, कुछ राशि देते हैं कि लो जो है नया पाल लेना, नया पाल लेना, है ना। तो उसी तरह से ये नया बना लेना या नया पाल लेना। ठीक है, तो याद रखना है, भूकंप से क्षतिग्रस्त हुआ 117 धरोहर, उसको पुनः निर्माण के लिए भारत जो है किसके साथ समझौता किया, तो नेपाल के साथ। तो याद कैसे रखिएगा, तो वही याद रखना है, नया पाल लेना। नया पाल लेना का मतलब याद रखना है क्या, नया बना लेना या नया पाल लेना। ठीक है, तो भूकंप से क्षतिग्रस्त 117 धरोहर के पुनः निर्माण के लिए भारत किसके साथ समझौता किया, तो नेपाल के साथ। आगे देखिए, आपदा और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु किसके साथ समझौता किया, तो इटली के साथ। कैसे याद रखिएगा, देखिए आपदा है तो इसको प्रबंधन कीजिएगा, प्रबंध कीजिएगा आपदा से बचने के लिए, प्रबंध कीजिएगा ताकि ई जो है आपदा टल जाए, ई आपदा जो है क्या हो जाए, टल जाए, ई जो है टल जाए। कौची आपदा, आप प्रबंध कर रहे हैं वही ना, आपदा को प्रबंध कर रहे हैं ताकि ई आपदा जो है टल जाए, ई आपदा ई टल जाए, ई टल जाए का मतलब इटली, याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत जो है किसके साथ समझौता किया, तो अमेरिका के साथ। अब देखिए, विज्ञान है तो विज्ञान है तो विज्ञान में ऐसे सबसे आगे जो है, साइंस में जो है सबसे आगे ऐसे हम लोग बढ़िया देश है, बेस देश है अमेरिका, इसका राष्ट्रीय खेल बेसबॉल होता है इसलिए बेस देश है, तो राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है ना। अब देखिए, तो भू विज्ञान है, विज्ञान के क्षेत्र में जो है समझौता करना है तो जो बढ़िया रहेगा उसी के साथ समझौता किया जाएगा ना, तो अमेरिका बढ़िया है तो बढ़िया के साथ समझौता किया गया। ठीक है, और नहीं तो फिर इस तरह से याद रखिएगा,
यानी भूमि विज्ञान यानी विज्ञान जो है साइंस जो है भारत के उसवा के साइंस जो है बढ़िया है, इस तरह से याद रख सकते हैं। आगे देखिए, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत जो है किसके साथ समझौता किया, तो भूटान के साथ समझौता किया। कैसे याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, पर्यावरण कब होगा, जब वन होगा यानी जंगल होगा तो जंगले में जो है लोग कहते हैं क्या कि जंगल में रहता है कोची भूत, तो भूत से याद रखना है भूटान, ठीक है। और उधर जाएगा तो टाल लेता है, भूतवा जो है टाल लेगा भूटान, ठीक है। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किसके साथ, तो भूटान के साथ। आगे, सतत शहरी विकास के लिए भारत जो है किसके साथ समझौता किया, तो जापान के साथ। कैसे याद रखिएगा, सतत यानी धीरे धीरे जो है शहर के रूप में विकास हो रहा है, क्या किसका, तो ग्राम का, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका जो है सतत यानी धीरे धीरे जो है शहरी क्षेत्र में विकास हो रहा है। जब शहरी क्षेत्र में विकास होगा तो वहां दुकान खुलेंगे, है ना, दुकान खुलेंगे तो दुकान में बेचेंगे क्या, पान बेचेंगे, जा पान बेचा कौची में दुकान में, जा पान बेचा दुकान में, है ना। तो सतत शहरी विकास, तो शहर में विकास होगा यानी शहर के जैसा विकास होगा तो लोग दुकान खोलेंगे तो कहाँ बेचेंगे, पान बेचेंगे। आगे, अक्षय ऊर्जा में सहयोग के लिए IOCL और NTPC के साथ समझौता हुआ। ध्यान दीजिए, कैसे याद रखिएगा, देखिए अक्षय ऊर्जा जो है, अक्षय ऊर्जा यानी अच्छा ऊर्जा जो है आपको प्राप्त करना है तो OCL साहब जो है किनके पास जाएंगे, NTPC, है ना, NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, है ना, NTPC जो है ना जो विद्युत उत्पादन वाला है उसके पास जाएगा, कौन, OCL साहब, है ना, ये कोई OCL साहब है, वो जाएंगे किनके पास, तो NTPC वाले के पास, क्या है, कहे कि हमको अच्छा ऊर्जा चाहिए, इधर वाला जो है ना देता है ना वो नहीं अच्छा देता है, आप जो है दीजिए ना बढ़िया ऊर्जा दीजिए, ठीक है। तो अच्छा ऊर्जा जो है OCL साहब किसके पास जाएंगे, तो NTPC के पास। आगे, हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए BPCL और BARC के साथ समझौता हुआ। कैसे याद रखना है, ध्यान दीजिए, हरित हाइड्रोजन, तो इसको याद रखना है क्या, हरित हाइड्रोजन यानी हरा वाला हाइड्रोजन जो है कौन जलाएगा, तो देखिए BPCL लिखा हुआ है लेकिन इसको जो है हमको पढ़ना है क्या, BPL, आप जानते होंगे BPL क्या होता है ना, गरीबी रेखा वाला BPL, है ना। तो देखिए हरित यानी हरा वाला हाइड्रोजन जो है BPL वाला BARC है ना, तो BARC रखेगा, सब नहीं BARC रख सकता है, तो हरियर जो है हाइड्रोजन को बना दे रहा है हाइड्रोजन, कौन BARC रखेगा, तो BPL वाला BARC रखेगा। आगे देखिए, गगनयान मिशन के लिए जो है भारत किसके साथ, तो फ्रांस के साथ। जिस जो भी मिशन जो है भारत करता है, जो भारत की जो है प्रतिद्वंद्वी यानी कहने का मतलब भारत के जो ना कहता है जलने वाले जो देश है उनको लगता है ना कि भारत जो है ना कर रहा है ना उसको नया काम सफल हो, बिचौल फंस जाए, है ना। तो देखिए ऐसा बात नहीं है, गगनयान मिशन ये जो है भारत जो है इसमें फंसने वाला नहीं है, भारत जो है इसमें सफल होगा, फंसेगा नहीं। तो गगनयान मिशन के लिए भारत और फ्रांस के साथ। अब देखिए, खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ, तो भारत और अर्जेंटीना के साथ। तो कैसे याद रखिएगा, खनिज जो है, टीन जो है एक खनिज है, तो देखिए टीन यहां लिखा हुआ है, टीना, है ना, तो भारत किसके साथ, अर्जेंटीना के साथ, तो खनिज क्या है, टीना, तो अर्जेंटीना, है ना। खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत किसके साथ समझौता किया, तो अर्जेंटीना के साथ। आगे, डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ फिर BPL वाला है ना, BPL वाला किसके साथ, तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ, है ना। तो डिजिटल परिवर्तन के लिए ऐसा माइक्रोसॉफ्ट, नहीं तो फिर जिसे किसी भी चीज हो, जब डिजिटल का बात आता है तो किसी का भी सॉफ्टवेयर जो है जरूरी होना चाहिए, है ना, माइक्रो यानी छोटा छोटा जो सॉफ्टवेयर जो है मजबूत रहेगा तभी वो डिजिटल में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए यानी BPCL जो है किसके साथ समझौता किया, तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो AK-103 राइफल खरीदने के लिए
यानी कि इसमें क्या होता है, जब एक को राइफल मिलता है तो वो रूस जाता है, तो उसको के को फिर दिया जाता है, दो को दिया जाता है, तो भारत और रूस के साथ। आगे देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत जो है क्या करता है, अस्त्र ले लिया है ना। आगे, भूकंप से क्षतिग्रस्त धरोहर तो पुनः निर्माण है ना, यानी पुनः निर्माण जो है यानी नया बना यानी नया पाल है ना, तो नेपाल है ना, भारत नेपाल के साथ। आगे, आपदा को प्रबंधन कीजिएगा ताकि जो है ये टल जाए, कौची टल जाए, आपदा टल जाए है ना। आगे, भू विज्ञान में तो विज्ञान में बढ़िया देश है कौन, अमेरिका, तो अमेरिका के साथ। आगे, पर्यावरण, पर्यावरण बोले तो जंगल, जंगल बोले तो भूत, जंगल में क्या भूत। आगे, सतत यानी धीरे धीरे शहर की ओर विकास करेगा तो लोग दुकान खोलेंगे और दुकान में क्या बेचेंगे, पान बेचेंगे। अच्छा ऊर्जा चाहिए तो ओसीएल साहब किनके पास जाएंगे, एनटीपीसी वाले के पास है ना। यानी हरा हाइड्रोजन जलाएगा कौन, तो बीपीएल वाला बार के रखेगा, यानी हरा हाइड्रोजन जो है बीपीएल वाला क्या करेगा, बार के रखेगा। और गगनयान में भारत नहीं फंसेगा, खनिज क्या है तो टीन है, तो भारत और अर्जेंटीना। और डिजिटल परिवर्तन के लिए, डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए भारत जो है किसके साथ समझौता किया है, यानी भारत नहीं, ये बीपीसीएल और माइक्रोसॉफ्ट समझौता किसके किसके बीच हुआ, बीपीसीएल और माइक्रोसॉफ्ट। तो देखिए क्वेश्चन है इस तरह से पूछता है कि डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए किसके किसके बीच समझौता हुआ, तो ये ऑप्शन में ये रहेगा ठीक है। तो यहाँ बीपीसीएल क्यों हम अभी बताएं कि बीपीएल पढ़ना है, तो बीपीएल वाला जो है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ऐसो जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ इसलिए ताकि ये माइक्रो यानी छोटा छोटा सॉफ्टवेयर जो है मजबूती रहे, और मजबूती रहे तो डिजिटल परिवर्तन अच्छा से हो है ना। तो चलिए देखिए, हम लगातार अभी वीडियो जो है करंट अफेयर्स का दे रहे हैं, और देखिए काफी दिन दिन पे हो जाता है, तो आप थोड़ा किसी मजबूरी के कारण हम रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जो भी दे रहे हैं आपके लिए, जो आप ग्रहण करें, और सपोर्ट आपका ज्यादा रहता नहीं है इसलिए थोड़ा सा मन छोटा हो जाता है, इसलिए ज्यादा वीडियो हम दे नहीं पाते हैं, और सब कुछ देखना होता है, इसलिए आप प्यार दीजिए, हम वीडियो जरूर देंगे ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज और इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।